तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ DBPG कॉलेज के एक BA प्रथम वर्ष के छात्र जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलय प्रशांत है। तो आप यहाँ पर CUET का एग्ज़ाम देकर आए थे? हाँ, हम CUET का एग्ज़ाम देकर आए थे। तो आप ये बता दीजिए कि आपका जब CUET का एग्ज़ाम दिए थे तो आपका कुल कितना इंडेक्स बना था कि आपको DBPG कॉलेज मिल गया? मेरा 280 का इंडेक्स बना था। और कैटेगरी क्या था? जनरल। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या मिला है? मेरा हिंदी ऑनर्स है, फिलोसॉफी और इंग्लिश है। अच्छा, आप यहाँ पे DBPG कॉलेज में कई दिनों से पढ़ रहे हैं, कई महीना हो गया, आपने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम भी दे दिया, तो आपको यहाँ पे DBPG कॉलेज में अब तक पढ़ते हुए कैसा फील हुआ? यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं या फिर ये प्लेस बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है? अगर किसी को मेन कैंपस नहीं मिलता है और DBPG कॉलेज मिल जाता है तो उसको पक्का यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि किसी को मेन कैंपस अगर नहीं मिलता है तो कैंपस की कमी तो यहाँ खलती है, क्योंकि कैंपस का जो वातावरण है इससे बहुत अलग है और यहाँ का वातावरण बहुत ही भिन्न है। और जिसको अगर कैंपस नहीं मिलता है वो DBPG कॉलेज आ सकता है, क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई को लेकर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ की जितने भी फैकल्टीज़ हैं, तो पढ़ाई को लेकर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत है तो रहने को लेकर, रहन सहन को लेकर जो दिक्कत है, यहाँ पे जो रूम की व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है विद्यार्थियों को। उनको जल्दी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, जल्दी अच्छा रूम नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उनको भटकना पड़ता है, तो थोड़ा इसमें दिक्कत है। और बाकी तो कॉलेज का जो है पढ़ाई लिखाई वो सब सही है। तो यहाँ पर आकर आप जो जितने भी फैकल्टी हैं, तो आपके जितने भी फैकल्टी के प्रोफेसर हैं, आपको कैसे लगे? क्या वो कैपेबल हैं मतलब कि अच्छा शिक्षा देने के लिए? आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनको जज करने का वाला मैं कोई नहीं होता हूँ कि वो कैपेबल है या नहीं है। वो खुद हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके वो यहाँ पे आए हैं। तो लेकिन हाँ, इतनी है कि वो जो बातें हमें बताते हैं, जो समझाते हुए हमें पूरी तरह से समझ में आ जाती है। और रही बात उनके कैपेबिलिटी की, तो वो कई ज़्यादा हैं उनमें, और वो बस मतलब हम सबको ऐसे ही पढ़ाते रहे, हम सबका मतलब भविष्य जो है वो निखारते रहे, बस यही उनसे हमारी प्रार्थना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ DBPG कॉलेज के एक और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम पांडे है और मैं यहाँ BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। AISC मेरा ऑनर्स है, एंशियंट हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर CUET का एग्ज़ाम देकर आए थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आप जब CUET का एग्ज़ाम दिए थे तो आपका लगभग कितना इंडेक्स बना था कि आपको DBPG कॉलेज मिल गया? जी, CUET 2022 में मैंने परीक्षा दी थी, जिसमें मेरा तकरीबन 252 नंबर था 400 में। तो मेन कैंपस तो नहीं मिल पाया, यहाँ पर मेरिट आ गई तो यहाँ मिल गया। और कैटेगरी क्या था आपका? मेरा जनरल था। अच्छा, आप यहाँ पर इतने महीने से पढ़ रहे हैं, आपने सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम भी दे दिया, तो आपको यहाँ पर क्या क्या यहाँ की खूबियाँ लगी कि यहाँ अगर किसी को मेन कैंपस नहीं मिलता है तो उसको DBPG कॉलेज आ जाना चाहिए, और क्या क्या कुछ कमियाँ लगी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो यदि आपको मेन कैंपस नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर देखिए BHU से ही चयनित होकर आते हैं, सब ने PhD की है ना, सब मतलब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर लोग, पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। दिक्कत थोड़ा यहाँ जैसे कॉलेज जिस एरिया में है वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ का इलाका ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़े रहने और खाने पीने की दिक्कत आती है। बाकी आप अगर सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप यहाँ से पढ़कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, निजी अनुभव है। और BHU में होता है तो वहाँ हॉस्टल मिल जाता है, उतनी कोई दिक्कत नहीं रहती। और बाकी ये एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड है जहाँ कॉलेज है, बाकी एकेडमिक्स की बात करें तो सही है कॉलेज। तो आप यहाँ पर ही रहते हैं, तो आप यहाँ पर कहाँ रूम लेके रहते हैं? क्या यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूम का बहुत ज़्यादा समस्या है, तो अगर लड़के आते हैं तो उनको लगभग क्या इधर रूम मिलेगा ही नहीं, ऐसा एकदम पॉसिबिलिटी है? नहीं, रूम मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत मतलब मेहनत करनी, क्योंकि जब मैं आया था मुझे तो जब मैं 3-4 दिन लगा था ढूंढा तब मेरे को रूम मिला। यहाँ कॉलोनी है सब ठीक है, यहाँ पर मेरे को रूम मिल गया था, लेकिन अब रूम की कमी तो खैर यहाँ पर है। अब जैसे अभी और लड़के आएंगे, कम से कम 500-600 तो लड़के आएंगे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बाकी रूम्स ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा आपको रूम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DBPG कॉलेज जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, तो यहाँ पर बॉयज़ को तो रूम की कमी होती है, और गर्ल्स के लिए भी कुछ हॉस्टल तो यहाँ पर आसपास तो हैं ही। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल हैं, लिमिटेड है ज़्यादा संख्या। बॉयज़ के लिए, बॉयज़ तो देखिए कहीं भी रह सकते हैं, गर्ल्स तो हॉस्टल में ही रहेंगी ना, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल लिमिटेड है, लेकिन है, हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ एक और DBPG कॉलेज के सीनियर जुड़े हुए हैं, जो कि MA के यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। अनीश कुमार मिश्रा।
तो भैया आप यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम देकर आए थे जी भैया। तो आप बता सकते हैं कि एमए में यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस था? जैसे सीयूटी में बीए के लिए प्रोसेस था, वैसे ही एमए के लिए भी प्रोसेस था, और अपना इंडेक्स बता दीजिए। जी बिल्कुल सेम ही था। आपका लगभग इंडेक्स कितना था कि आपको यहाँ पर एमए में एडमिशन हो गया? मेरा इंडेक्स था 305 नंबर, और इससे आसानी से एडमिशन मिल गया, जो सब्जेक्ट जो विषय चाहिए था मिल गया हमको। तो यहाँ पर अगर आपको कैसा फील हो रहा है कि यहाँ पर अगर किसी का भी बीएचयू मेन कैंपस में नहीं होता है तो उसे डीबीपीजी कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? जी अगर आपका उद्देश्य पढ़ना है तो बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस होते हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, और पढ़ने के लिए एक सधा हुआ माहौल है, आप बहुत आगे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। और मेरा तो मानना यहाँ तक है कि बीएचयू कैंपस से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई यहाँ हो सकती है। हाँ ये बात अलग है कि अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम है वहाँ से, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पर आपको आके महसूस हुआ कि यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर यहाँ की वीकनेस लगी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें सुधार करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहली बात तो ये कि अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ की मात्रा संख्या बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात यह कि लाइब्रेरी को थोड़ा और विस्तृत करना चाहिए, सभी को प्रॉपर सीट्स होनी चाहिए। सीट्स तो हैं अभी भी, लेकिन प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है, आदमी बैठते बैठते थक जाता है। थोड़ा लॉन्ग स्टे के लिए जैसे जो बच्चे एमए में हैं, पीएचडी वगैरह हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रुकते हैं लाइब्रेरी में, तो उनके लिए थोड़ा और बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। और बच्चे भी आते हैं इस समय पर बीए वगैरह के देख रहा हूँ, तो उस समय पे उनको भी बैठने का है नहीं बाहर, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी का विस्तृत हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए लाइब्रेरी, और कुछ नहीं। और अगर कोई यहाँ पर डीबीपीजी कॉलेज में आ रहा है तो यहाँ पर उसको रहने की और खाने की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएगी? कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं, बीएचयू ही साइड रहते हैं कि आप इधर ही आसपास रहते हैं? मैं तो कमाच्छा पे रहता हूँ, और बड़े आराम से आपको सब कुछ नॉर्मली एक्सपेंस पे मिल जाएगा, बनारस शहर भी इतना महंगा नहीं है, आपका सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाएगा। भैया अपना एक पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, तो साइंस के एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आज हम लोग उनका फीडबैक लेंगे कि आखिर उनको यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए कैसा फील हो रहा है, और जो भी अगर किसी भी स्टूडेंट को बीए मेन कैंपस नहीं मिलता है और बीए में उसको डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है तो उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार है। तो आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम देकर आए थे, तो आप यहाँ पर जब आए थे तो आपका इंडेक्स कितना था? मेरा 302.5 था आउट ऑफ 500, लेकिन 400 का तो एग्जाम था ना? 400 का तो 400 में से 302.5 था। तो आपको यहाँ पर आए तो आपका कैटेगरी क्या था और आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या मिला? मेरा कैटेगरी जनरल है, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक स्कोर है, सोशियोलॉजी एंसिलरी हो गया, और हिंदी मेरा लैंग्वेज है। तो जो मेरा मतलब डिमांड था, जो ये मिलना चाहिए वही हमको मिला, जो मेरा प्रेफरेंस था फर्स्ट प्रेफरेंस वो हमको मिल गया। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट को बीएचयू मेन कैंपस नहीं मिलता है और उसको डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है जो कि बीएचयू से अफिलिएटेड है, तो उसको यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो कुछ यहाँ की बल्कि बहुत सारे चीज़ में तो बीएचयू मेन कैंपस से डीबीपीजी कॉलेज आगे है जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो यहाँ की कुछ आप विशेषताएं बता सकते हैं कि डीबीपीजी कॉलेज की आखिर कोई भी स्टूडेंट को क्यों आना चाहिए, और कुछ कमियां जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे डीबीपीजी कॉलेज में सुधार करना चाहिए? मुझे तो ऐसा कोई कमी नहीं लगा है, मतलब हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है, जहाँ तक व्यवस्था अच्छा ही है, और ये कह सकते हैं लाइब्रेरी का साइज जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और बाकी कोई ऐसा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। फैकल्टी लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेरा ऑनर्स से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सभी का फैकल्टी अच्छा है, हिस्ट्री का सर है लक्ष्मीकांत सर, यूपीएससी के इंटरव्यू तक चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि टीचर है मतलब फैकल्टी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेन कैंपस में अच्छे होंगे और यहाँ मतलब एक ही प्रोसेस से वो भी अपॉइंट होते और ये भी, ऐसा कुछ इसमें वेरिएशन नहीं है। तो अच्छा एक चीज़ ये बता दीजिए कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो उसे क्या आसानी से उसको रूम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा कि वह यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पे डीबीपीजी कॉलेज में तो हॉस्टल की सुविधा नहीं है, तो अब रही बात रहने की खाने की, तो क्या वो फैसिलिटी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी स्टूडेंट को? जी हो सकती है, कहे नहीं होगी, और बहुत सारे लोग मतलब मेन कैंपस के साइड रहते हैं और बहुत लोग पास में भी रहते हैं, लेकिन पास में
उतना ये व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हम भी जैसे रह रहे हैं जलपा देवी मंदिर के पास हॉस्टल है, वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। थोड़ा रूम है थोड़ा पुराना मॉडल का है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छा है, जो मतलब नीड है वो मिल जाता है। गांधी जी का क्या नाम था ना, देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए, आप क्या नाम? मेरा नाम सोनू यादव है। तो आप यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम देकर आए थे, तो आपका इंडेक्स कितना बना हुआ था? जी हाँ, मैं सीयूटी के थ्रू आया था, मेरा इंडेक्स 295 है। और कैटेगरी क्या था आपका? कैटेगरी ओबीसी था, लेकिन मुझे जनरल से मिला था, और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री है। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी को भी मेन कैंपस नहीं मिलता है और डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है, तो यहाँ पर उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कुछ अभी नेक की टीम आई थी यहाँ पर, तो ए प्लस ग्रेड रैंक दी है डीबीपीजी कॉलेज को, तो उसके बारे में आपको आपका क्या सोचना है? देखिए, यदि किसी बच्चे को मेन कैंपस नहीं मिलता है, तो वह बेझिझक जो है डीबीपीजी कॉलेज अगर से मिल रहा है तो वह यहाँ पर चला आए, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। और हालांकि इस बार नेक टीम आई थी, इससे इसकी जो प्रोग्रेसिंग है और ज़्यादा हो गई है, यहाँ व्यवस्था एक मतलब बहुत ही अच्छी हो गई है इस बार। और यहाँ की बात करें, लाइब्रेरी की सुविधा है, अच्छे टीचर हैं, क्लास रेगुलर चलती है, मतलब डीएवी पीजी कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पर आए तो कुछ आपको लगा है कि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं डीबीपीजी कॉलेज में, जिसको यहाँ के प्रशासन को सुधार करना चाहिए, उस कमियों में आपको कुछ यहाँ पर फील हुआ ऐसा? डीबीपीजी कॉलेज में देखिए, कमी तो ऐसी कोई बात की है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम लोग को जो है बीए वालों को अंदर जाने नहीं देते हैं, तो ये कमी है, क्योंकि बच्चे जब लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और अब मतलब किताबों को देखेंगे, उसमें सर्च करेंगे कि क्या हमको लेना है क्या नहीं लेना है, तो उनका जो दिमाग है और ब्रॉड होगा, और ये सुधारना चाहिए इन लोगों को कि बच्चे को भी व्यवस्था करें, बच्चे भी जाएं अंदर पढ़े, वहाँ का फीडबैक ले और नॉलेज ले अच्छी। अच्छा, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के प्रोफेसर के बारे में आपका क्या सोचना है? यहाँ के जो टीचर सभी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रेगुलर क्लास कराते हैं, और वो मतलब कि आप वो हम लोग को इतना छूट दे देते हैं कि आप कहीं भी और किसी वक्त आके कहीं भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ क्लास में ही पूछो, बाहर आके मत पूछो, आप क्लास में पूछ सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बाहर जाके पूछ सकते हो, और उनके तरफ से कोई मनाही नहीं है, वो ऑलवेज आपके लिए तत्पर रहते हैं बताने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ। डीबीपीजी कॉलेज के बीए सेकेंड ईयर के एक भैया जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम राज है। तो भैया आप यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम देकर आए थे? उस टाइम सीयूटी नहीं होता था, बीएचयू अपना एग्जाम लेता था। तो आप यहाँ पर आए तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या? मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश हिंदी और फिलोसफी, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोर में है, तो इस कारण से संस्कृत कंपलसरी लेना पड़ा, मैंने चूज़ नहीं किया था। यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपका आप पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सा लैंग्वेज मिलेगा, अगर आपका कोर हिंदी इंग्लिश है तो मतलब आपके आप जो चूज़ किए उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, तो इस कारण से मेरे पास ऑप्शन था संस्कृत और उर्दू का, तो मैंने संस्कृत ही लिया कि एक जो बच्चा कभी उर्दू पढ़ा नहीं वो उर्दू कैसे ले सकता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट का बीएचयू मेन कैंपस नहीं होता है और उसका डीबीपीजी कॉलेज जो कि बीएचयू से अफिलिएटेड है में हो जाता है, तो उसको डीबीपीजी कॉलेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी चलती है। मैं पिछले बार का भी एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा ऐसा भी यहाँ पे आया है जो वो सीयूईटी में उसका रैंक टॉप 10 था और उसने डीएवी में एडमिशन लिया है, तो अगर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती तभी बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ के आपके फैकल्टी कैसे लगे, जितने भी फैकल्टी हैं? फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरह से हेल्प करते हैं, इवन क्लास तो रेगुलर चलती है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको कोई और भी मदद चाहिए, लाइक बनारस में कुछ मेडिकल इशू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे हर तरह से फैकल्टी मदद करती है। तो यहाँ पर आपको डीबीपीजी कॉलेज का क्या अच्छा चीज़ है जो आपको लगा कि यहाँ ऐसा चीज़ हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और कुछ कमियाँ जो आपको लगी हुई होगी कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इस कमी को सुधारना चाहिए, आप कुछ यहाँ पर कैसा फील हुआ? यहाँ पे एक चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी, स्टार्ट बुरा से ही करते फिर अच्छा बताते हैं, सबसे बुरी यही लगी कि यहाँ पे क्लासेस का ऐसा होता है रेगुलर चलता है, लेकिन अगर किसी दिन
टीचर नहीं आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है पहले से, यहाँ आकर वापस जाना पड़ता है। बहुत ऐसे बच्चे जो लंका से आते हैं, उतना दूर से आके फिर वापस जाना, ये सबसे बड़ा हैक्टिक होता है। तो एक चीज़ ये लगी। दूसरी चीज़ ये लगी कि यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आ पा रहा है। इसमें भी वही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से भी कोई मतलब नोटिफिकेशन ही नहीं आ पाता है तो इसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है। अच्छी बात यह है कि टीचर रेगुलर टाइम पे रहते हैं, पढ़ाते अच्छे। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की मतलब तैयारी करना चाहते हैं उनको अलग से हेल्प भी दिया जाता है। यहाँ का लाइब्रेरी आप जाके एक बार देखिए, मतलब हमें लगता है कि और सब जगहों से बहुत अच्छी है। तो इस ये सब को मान के मतलब वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है यहाँ की। और यहाँ की इंडोर स्टेडियम बहुत अच्छी बनाई गई है, वहाँ पे बच्चे को खेलने के लिए सब कुछ दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो हमारे साथ DBPG कॉलेज के एक और भैया जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर सेकेंड ईयर के छात्र हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं BA CUET का एग्जाम देकर आए थे कि उस समय तो BHU का शायद कुछ अलग एग्जाम होता था। नहीं, BHU पेपर लेते थे, NTA के द्वारा हम लोग का पेपर लिया गया था, एंट्रेंस टेस्ट। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा फील हो रहा है कि किसी भी अगर स्टूडेंट को BHU मेन कैंपस में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको DBPG कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव मेन कैंपस का भी रहा है, मैं वहाँ भी क्लास किया हूँ। तो क्लासेस के मामले में तो यहाँ बहुत अच्छी क्लासेस है, कोऑपरेशन है प्रोफेसर्स का, और प्लस लाइब्रेरी, प्लस हर चीज़ों के प्रैक्टिकल शिक्षण भी दिया जाता है यहाँ पे। हर चीज़ का लैब है, यहाँ तक कि इकोनॉमी का भी लैब है यहाँ पे, इकोनॉमिक का भी, और हर चीज़ें बहुत बेहतर है मुझे लगता है पढ़ाई में। तो अभी हाल ही में हमारे जो कॉलेज में नेक की टीम आई हुई थी और यहाँ पर A+ ग्रेड रैंक देखी गई, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, नेक का ग्रेड A+ अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लगातार दूसरी बार A+ की ग्रेड मिली है DAV को, और A++ से DAV मात्र 0.2 नंबर से पीछे है। तो अपने आप में इसकी ग्रेड ही बताती है कि इस कॉलेज का अभी क्या स्थिति है, इसके सिचुएशंस क्या है। ये और रैंकिंग में भी बढ़िया है और यहाँ की पढ़ाई और हर सुविधा बढ़िया है। हाँ, अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको लगता हो कि यहाँ पर मेन कैंपस के तुलना में नहीं है, जो यहाँ के प्रशासन को कुछ इसमें सुधार करना चाहिए? मेन कैंपस के तुलना में यहाँ हॉस्टल होना चाहिए यहाँ भी, बस इसी की दिक्कत है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ऐसी है कि जो नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हैं मेन कैंपस के, यहाँ लाइब्रेरी है, हर चीज़ का अपना। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।